बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बालूशाही, जिसके तमाम अज्जा को मैंने यहाँ पे लाइन अप कर लिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक कप मैदा, 4 टेबलस्पून वाटर, 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे घी ले लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने जो है यहाँ पे बेकिंग पाउडर ले ली। यहाँ पे हमने जो है शुगर सिरप के लिए जो है चाशनी के लिए 1 कप चीनी ले ली है, 1/3 टीस्पून इलायची पाउडर ले लिया है, फूड कलर ले लिया है और लेमन लेंगे, जिसके हम जो है 2 से 3 कतरे जो है हम डाल देंगे शुगर सिरप में और 1 कप पानी का ले लेंगे। चलें शुरू करते हैं। ये हमने जो 1 कप मैदा इसमें डाल लिया है और ये जो है 1/2 टीस्पून हमारी बेकिंग पाउडर की और ये जो है जितना हमारा घी है यहाँ पे 4 टेबलस्पून वो, और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें पानी डाल देंगे और फिर उसको अच्छे से बाइंड करेंगे। गूंदना नहीं, हमने जिस तरह प्रॉपर आटा गूंदते हैं सिर्फ जोड़ना है। और ये देखें यहाँ पे हमने अपना आटा बाइंड कर लिया है, जोड़ लिया है, इसको हमने आटे की तरह गूंदा नहीं है। सिर्फ हम इसको 10-1 मिनट के लिए छोड़ेंगे जितनी देर हम चाशनी तैयार करें। चीनी ले लिया 1 कप और ये हम 1.5 कप पानी ले लिया है। इसी में जो है हमने 1/3 टीस्पून इलायची पाउडर ले लिया है और 2 पिंच हम जो है फूड कलर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें ले सकते हैं और अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं। और अब इसमें हम 2 ड्रॉप्स लेमन के डाल देंगे क्रिस्टलाइजेशन को रोकने के लिए। ये बॉईल होगा और टाइम लेगा, तो हम इतनी देर अपनी बालूशाही रेडी करते हैं। अब ये देखें ये हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट सा आटा रेडी है। अब हम इसकी जो है बालूशाही रेडी कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको ऐसे 7 से 8 बार कर लेंगे यूं। ये देखें इसको हमने 7 से 8 बार यूं कर लिया। अब इसका जो है हम रोल कर लेंगे और ये इसको हमने जो है यूं रोल कर लिया। अब हम इससे जो है पेड़े तोड़ के बालूशाही बनाते जाएंगे और ऐसे ऐसे इसको करके अच्छे से बालूशाही बना लेंगे, फिर यूं इसमें सुराख कर लेंगे। देखें ये हम सारी रेडी कर लेते हैं एक एक करके। और यहाँ पे जो है हमारे 1 कप की 8 बालूशाही रेडी हो चुकी है। और ये देखें यहाँ पे हमारी चाशनी भी रेडी हो चुकी है और हम इसको बंद कर लेते हैं। इसको अब हम जो है बालूशाही फ्राई कर लेते हैं जितनी देर हमारी चाशनी ठंडी हो जाएगी। हमने ऑयल भर के ले लिया है, आप जिसमें भी लें, मैंने फ्राइंग पैन लिया है उसको मैंने भर के रखा है। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताती चलूँ, ऑयल को हमने बॉयल नहीं कर लेना, ऑयल को हमने जो है सिर्फ गरम करना है। तो अब जैसे ही हमारा ऑयल होगा हम इसमें बालूशाही, अब हम एक एक करके अपनी सारी बालूशाही डाल लेंगे। आपको ये लगेगा कि ये ठंडा ऑयल है लेकिन ये ठंडा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें ये अब बबल्स छोड़ता जा रहा है, हमने बिल्कुल थोड़ा सा जो है ऑयल को गर्म करना है। हम एक ही बार में सारी फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे हमने सारी बालूशाही डाल ली हैं और ये अब आराम से 20 मिनट के लिए पकेंगी एक साइड से और ये खुद फूल के ऊपर आ जाएंगी और हम इनकी एक साइड का गोल्डन होने का इंतज़ार करेंगे और फिर उसके बाद हम इनको पलटा लेंगे। चलें अब हम इंतज़ार करें। यहाँ पे 10 मिनट के बाद जो है हमारी बालूशाही फूल के ऊपर आ चुकी है। अब इसको जो है मज़ीद 10 मिनट हम पकाएंगे लो फ्लेम पे, उससे ये। और यहाँ पे 20 मिनट के बाद हम जो है अपनी बालूशाहियों को उल्टा रहे हैं और ये देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। 1 बाय 1 हम सारी उल्टा लेंगे और अब दूसरी साइड से भी जो है हम इनको 10 मिनट के लिए पकने के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। अब ये देखें यहाँ पे हमारी बालूशाहियाँ बिल्कुल कितने मज़े की गोल्डन हो चुकी हैं। इनको हम 1 बाय 1 निकाल लेंगे।
यहाँ पे हमने सारी बालूशाही निकाल ली। अब हम इसको चाशनी में एक एक करके आराम से डालेंगे, एक मिनट एक साइड से और एक मिनट दूसरी साइड से। यहाँ पे हमने इनको एक मिनट एक साइड से डिप किया और एक मिनट ही दूसरी साइड से। अब हम इनको निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने तमाम बालूशाहियों को डिश आउट कर लिया है। यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, मैंने एक बालूशाही को आपके लिए तोड़ा है। तो ये देखें इसकी कितने मज़े की लेयर्स हैं और कितनी खस्ता और अंदर से शीरे में डूबी हुई बनी है। ये बहुत यम्मी है, इसको ज़रूर ट्राई करें। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ को जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।